आप सबको जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 करते हैं हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आज की शाम में परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए हम तुझसे विनती निवेदन करते हैं प्रभु कि आप इनके सारे कामों को सफल करें जो बात इनके लिए इम्पॉसिबल है प्रभु जो बातें इनके लिए प्रभु असंभव है मेरे पिता आप इनके लिए वो बातें संभव करें मेरे पिता आज की शाम में मेरे प्रभु यदि ये दिन भर में किसी भी चिंताओं में रहे हो किसी भी विपत्ति में किसी भी परेशानी में रहे हो मेरे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वो सारी मुश्किलें वो सारी चिंताएं हम आपके हाथों में सौंपते हैं क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी चिंताओं को दूर करके अपनी असीम शांति से इन्हें भरे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो गलत सपनों को देखते हैं मेरे प्रभु बुरे सपने उन्हें आते हैं प्रभु डरावने सपने उन्हें आते हैं दुष्ट उन्हें डराता है प्रभु जी और पिता उस डर के मारे प्रभु वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते वो हर बातों को लेकर डरते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से ये डर को हम उनके जीवन से दूर करते हैं मेरे पिता उन गलत सपनों को यीशु के नाम से दूर करते प्रभु तेरा राज्य इनके जीवन में आए प्रभु इनके सपनों में परमेश्वर पिता आप इन्हें दृढ़ करें मेरे पिता आप अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिए प्रभु की दुष्ट की सामर्थ्य से प्रभु लड़ सके मेरे परमेश्वर पिता उन जलते हुए तीरों से वो आप सामना कर सके पिता परमेश्वर कोई भी बात इन्हें डरा नहीं ना पाए क्योंकि प्रभु तूने इन्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु आज की शाम में इस समय प्रभु जो भाई बहन बीमार हैं प्रभु अपनी बीमारी में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर अपने दर्द में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीरों से चली जाए हर एक दर्द यीशु के नाम से इनके शरीरों से चला जाए तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमारी हर एक जानलेवा बीमारी से आप इन्हें बचाएं आप छुटकारा दें प्रभु हर एक बीमारी से कैंसर से माइग्रेन से और पिता परमेश्वर लकवे के रोग से प्रभु जी मिर्गी की बीमारी से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर जो आजकल प्रभु जी बीमारियां बढ़ रही हैं मेरे पिता परमेश्वर परंतु पिता तूने इनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं ताकि ये को पाए ताकि ये चंगाई को पाए मेरे पिता आप छू कर इन्हें चंगा करें मेरे पिता क्योंकि आप यहोवा राफा हैं पिता हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी चंगाई के लिए हालेलुया ओ मेरे पवित्र परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है मेरे यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु सच में तू यहोवा शालोम है शांति का राजकुमार है आज की शाम में मेरे पिता इन भाई बहनों को इनके परिवारों में आप शांति दे मेरे पिता यदि इनके घर परिवार में कलेश होता है लोग प्रभु नशे में है मेरे पिता दुष्ट के बंधनों में है मेरे यीशु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे मेरे पिता हर एक नशा यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए हर एक लत हर एक श्राप इनके जीवन से चला जाए मेरे पिता लड़ाई झगड़ा कलेश इनके जीवनों से चला जाए मेरे पिता आप इनकी सहायता करें क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जितने भी हथियार तुम्हारे जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनेंगे वे तुम पर सफल ना होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हमारी ढाल हमारी चट्टान हमारे साथ है हमारा लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन सारी विपत्तियों से इन लड़ाई झगड़ों से इस नजर से श्राप से इन्हें छुटकारा दें प्रभु आज की शाम में आप इन्हें दृढ़ करें आप इन्हें मजबूत करें प्रभु जी आप इन्हें अपनी सामर्थ्य दीजिए अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए कि ये दुष्ट से लड़ पाए मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु अपने घर की चिंता में है पिता परमेश्वर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंतित है अपने संतान के लिए चिंतित है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हमारा घर क्यों नहीं बन रहा है परमेश्वर पिता आप इनकी सारी चिंताओं को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ आप इनके लिए सॉल्यूशंस दीजिए क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं आप हमारी दुहाइयों को सुनने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता जिस प्रकार दाऊद प्रभु तेरी दुहाई देता अपने संकट के समय अपनी विपत्ति के समय प्रभु वो तुझे पुकारता और तू उसकी सुन लेता मेरे परमेश्वर उसी प्रकार मेरे पिता इन भाई बहनों की भी आप सुधी लें आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर यदि ये अभी विपत्ति में है इनके जीवनों में मुश्किलें हैं प्रभु जी शैतान बार बार प्रभु इनके रास्ते में आड़े डालता है प्रभु इन्हें गिराता है परंतु प्रभु आप इन्हें ढाढ़स दे आप इन्हें दृढ़ करें आप इन्हें मजबूत करें प्रभु कि ये गिरने ना पाए ये फिसलने ना पाए इनके पैर डग
मंगा नहीं ना पाए, आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज की रात में आप हर एक को मीठी और अच्छी नींद दे मेरे पिता। प्रभु जी हर एक की चिंताओं को आप ले लीजिए पिता परमेश्वर। न जाने प्रभु इनके जीवन में कैसी समस्याएं, हम नहीं जानते पिता, परंतु आपके सामने इनका जीवन खुली किताब के समान है प्रभु। आप इनके गुप्त के बातों को जानते हैं पिता, आप इन्हें गुप्त के, आप इनकी सारी बातों को जानते हैं, आप इनके मनों की बातों को जानते हैं मेरे प्रभु। आप इनके मनोरथों को पूरा करें, जो बात ये अपने आप से नहीं कर सकते आप इनके लिए वो बातें करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये जिस किसी बात के लिए भी चिंतित हैं प्रभु, उस चिंता को आप दूर करें मेरे पिता। परिवारों में आप मेल मिलाप को दीजिए, परिवारों में आप शांति को दीजिए प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए, अपनी भलाई से भर दीजिए, अपनी दया से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। आज की रात में आप हर एक को मीठी और अच्छी नींद दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, इन भाई बहनों की सुधि लेने के लिए, जो भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनकी सुधि लें प्रभु जी। आज की शाम में आप उनकी सुधि लें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु। इस समय उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, यदि वो अपने जॉब के लिए चिंतित हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित हैं, अपने घर के लिए चिंतित हैं, अपने कर्जे के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, इन सारी बातों से उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, और उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में हम तुझे आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन और आमेन।